ये देखिए, राइट डाउन द नेम्स ऑफ कंपाउंड्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूले। तो हमारे यहाँ पे फॉर्मूले दिए गए हैं और हमें अब इनके नाम लिखने हैं। तो ये अगर आपको आते हैं तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, ये डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। अगर आपको दिक्कत हो तो आप ब्रेक कर सकते हैं, लाइक हमने ऊपर में किया था, तो जस्ट उसका उल्टा। एल्यूमिनियम तो हम पहले एल लिखेंगे, एल ग्रुप 13 का है, सो इसका चार्ज है +3। एंड देन सल्फेट, सो सल्फेट हम SO4, इसका चार्ज होता है -2। आप ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आपको डायरेक्टली आता है, या फिर अगर आपको नहीं आता तो आप एक चीज़ देखिए, पहले आपने एल लिखा, यहाँ पे +3 चार्ज होगा। आपको कैसे मालूम है? पहला बात, क्योंकि यहाँ पर सल्फेट का सबस्क्रिप्ट 3 है, तो यानी कि जो ये 3 है वो एल्यूमिनियम के लिए था, क्योंकि एल्यूमिनियम और सल्फेट का जो वैलेंसी है वो एक्सचेंज होगा, हम जानते हैं। तो यहाँ पर अगर 2 है, यहाँ पर अगर 2 होगा तो ये एल्यूमिनियम को मिलेगा, और यहाँ पर अगर 3 होगा तो वो सल्फेट को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, एल्यूमिनियम को 2 मिला है और सल्फेट को 3 मिला है। तो यानी कि जो एल्यूमिनियम का चार्ज है वो +3 है, और जो सल्फेट का चार्ज है वो है -2, राइट? यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि लाइक आपको सबस्क्रिप्ट और चार्जेस में कन्फ्यूजन हो सकता है, तो मैं आपको फिर से बता रही हूँ। ये देखिए, पहले आप एल्यूमिनियम का AL लिखिए और सल्फेट का जो अंदर दिया गया है SO4 लिखिए। अब देखिए कि जो एल्यूमिनियम का सबस्क्रिप्ट है 2, वो हमें पता है कि जो यहाँ पे जो वैलेंसी होता है वो जाता है एल्यूमिनियम के पास, लाइक सल्फेट का 2 अगर होगा तो वो एल्यूमिनियम को मिलेगा, और यहाँ पर 3 है तो यानी कि एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 है, इसीलिए वो सल्फेट को मिल रहा है, राइट? तो ये तो हमें पता चल गया वैलेंसीज। नाउ हमें चार्जेस कैसे पता करेंगे हम? तो चार्जेस पता करने के लिए 2 × समथिंग करना पड़ेगा और 3 × समथिंग करना पड़ेगा, ताकि दोनों बैलेंस हो, राइट? तो ये तो पहले आ रहा है यानी कि ये एक मेटल है, और ये बाद में आ रहा है यानी कि ये एक नॉन मेटल है, तो इसका चार्ज प्लस होगा और इसका माइनस होगा। अब 2 × 3 अगर हम करें तो +6, 3 × 2 अगर हम करें तो -6, यानी कि चार्ज भी बैलेंस हो रहा है, वैलेंसीज भी सेटिस्फाई हो रही हैं, तो हमारा जो ये है करेक्ट है, राइट? अब मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। अब एल्यूमिनियम का Al3 पॉजिटिव जो है वो एल्यूमिनियम का सिंबल है, तो आपको मालूम चल गया कि ये पहला नाम एल्यूमिनियम होगा, और SO42- जो है वो है सल्फेट का सिंबल, तो इसका नाम है सल्फेट। तो इन दोनों को जोड़ के आपको मिलता है एल्यूमिनियम सल्फेट, राइट? फिर से हम सेकंड देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, कैल्शियम क्लोराइड, तो आप पहले Ca का Ca लिखिए और यहाँ पर Cl लिखिए, ठीक है? अब देखिए, कैल्शियम के पास 1 है और क्लोरीन के पास 2 है, तो यानी कि कैल्शियम को 1 यहाँ से मिलेगा और क्लोरीन को 2 यहाँ से मिलेगा, हो गया? अब देखिए, कैल्शियम पहले आ रहा है सिंबल में, तो यानी कि कैल्शियम मेटल होगा और इसका चार्ज प्लस होगा, और क्लोरीन सेकेंड में आ रहा है तो यानी कि ये नॉन मेटल होगा और इसका चार्ज माइनस आएगा। अब हम इनका चार्ज कैसे पता करें? क्योंकि कैल्शियम आपका 1 है और क्लोरीन आपका 2 वैलेंसी ले रहा है, तो इसको हमको बैलेंस करने के लिए कुछ यहाँ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सपोज़ मैंने यहाँ पे 2 लिया, तो 2 × 1, कलर चेंज कर लेती हूँ, आपको समझने में इजी होगा। तो अब देखिए, +2 × 1,
प्लस टू इंटू वन आपको मिल रहे हैं प्लस टू चार्ज एंड टू इंटू वन, यहाँ पे टू प्लस टू इंटू माइनस वन ये मिलेगा माइनस टू, यानी कि प्लस टू माइनस टू ज़ीरो हो गया, हमारा चार्ज जो है बैलेंस हो रहा है। तो यानी कि ये फॉर्मूलेज हमारे करेक्ट हैं, ये दोनों फॉर्मूलेज हमारे करेक्ट है, राइट। तो अब देखिए सी ए टू पॉजिटिव सिंबल किसका सिंबल का नाम क्या है, कैल्शियम, एंड सी एल माइनस सिंबल का नाम क्या है, क्लोराइड। तो इससे हमें नाम मालूम चल गया कैल्शियम क्लोराइड, सिंपल है। नाउ हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में देखिए पोटेशियम K2SO4, तो आप पहले K लिखिए और SO4 लिखिए। अब देखिए K के पास जो है 2 है और SO4 के पास सिर्फ 1 है, तो यानी कि इसको SO4 को 1 यहाँ से मिल रहा है और K को 2 यहाँ से मिल रहा है, राइट। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, चार्जेस बैलेंस करने हैं। तो टू के साथ हम कितना इंटू करें तो बैलेंस होगा, टू के साथ अगर हम प्लस वन इंटू करें तो हमें मिलेगा प्लस टू, और वन के साथ अगर हम माइनस टू इंटू करें तो हमें मिलेगा माइनस टू, यानी कि प्लस टू माइनस टू हमें ज़ीरो मिल रहा है, यानी कि हमारा चार्ज बैलेंस हो रहा है, राइट। तो हमारा ये जो फॉर्मूलाज है ये करेक्ट है, फॉर्मूलाज नहीं सिंबल्स करेक्ट है। तो K प्लस का जो चार्ज, K प्लस जो सिंबल है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, पोटेशियम, एन एस ओ फोर टू माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है, सल्फेट। तो हमें नाम मालूम चल गया। सिमिलरली के एन ओ थ्री, सो K लिखिए और एन ओ थ्री लिखिए। अब देखिए K के पास भी 1 है और एन ओ थ्री के पास भी 1 है, यानी कि K को यहाँ से 1 मिल रहा है और एन ओ थ्री को यहाँ से 1 मिल रहा है। तो अब हमें पता है कि पहला जो सिंबल होता है वो हमेशा मेटल, तो इसको हमने प्लस चार्ज दिया, और सेकंड जो होता है वो नॉन मेटल, तो इसको हमने माइनस चार्ज दिया, राइट। अब हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो बैलेंस हो रहे हैं यानी, तो अब देखिए आप 1 इंटू प्लस 1 ये हो गया प्लस 1, 1 इंटू सॉरी माइनस 1 ये हो गया माइनस 1, यानी कि प्लस 1 माइनस 1 हमारा होता है 0। तो यानी कि हमें हमारा जो फॉर्मूलाज है वो करेक्ट है क्योंकि चार्ज बैलेंस हो रहा है, राइट। तो अब हमें पता है कि K प्लस क्या है, पोटेशियम रिप्रेजेंट करता है, और NO3 माइनस किसका सिंबल है, ये नाइट्रेट का सिंबल है, तो पोटेशियम नाइट्रेट हमारा फॉर्मूला का नाम है। अब देखिए लास्ट वाला CaCO3, तो आप लिखिए CaCO3, अलग अलग से लिखिए। अब देखिए Ca के पास भी 1 है, यानी कि इसको यहाँ से मिला है 1, और CO3 के पास भी 1 है, इसको यहाँ से मिला है 1, राइट। अब हम देखेंगे कि हमारा जो फर्स्ट है ये हमेशा मेटल होता है, तो इसको हम प्लस चार्ज देंगे क्योंकि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, और सेकंड जो है इसको हम माइनस चार्ज देंगे क्योंकि वो जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि प्लस वन इंटू प्लस वन मिल रहा है हमें, और प्लस वन इंटू माइनस वन हमें मिल रहा है माइनस वन, यानी कि हमें ज़ीरो मिल रहा है। तो हमारा जो फॉर्मूलाज है करेक्ट है, राइट, क्योंकि हमारा जो चार्ज है वो बैलेंस हो रहा है। तो सी ए पॉजिटिव क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है आपका कैल्शियम, एंड सी ओ थ्री माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, रिप्रेजेंट करता है ये कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन यहाँ पे मैंने एक चीज़ मिस्टेक किया है, वो ये है कि कैल्शियम का जो चार्ज होता है वो हमेशा प्लस टू होता है और कार्बोनेट का हमेशा माइनस टू चार्ज होता है, ओके, क्योंकि ये ग्रुप टू के एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर आपको प्लस टू से इंटू करना पड़ेगा, ना कि माइनस टू से। तो हमेशा आपको ये कैल्शियम प्लस टू से प्लस टू चार्ज और कार्बोनेट माइनस टू चार्ज, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड।